नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर की सीमा पर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर नाराजगी जताई और यहां तक टिप्पणी कर दी कि उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ अदालत में चुनौती दी गई है तो फिर सड़कों पर प्रदर्शन करने का क्या तुक है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या प्रदर्शन कर रहे संगठनों को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सड़कों पर जो संगठन कृषि सुधार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने पूरे शहर का दम घोट दिया है जो रुकना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता ने सफाई दी कि वो प्रदर्शन कर रहे किसानों से अलग हैं और उन्होंने कहीं भी रास्ता जाम नहीं किया है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो इस बारे में अदालत में हलफनामा दाखिल करें। तो ये सख्त टिप्पणी जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया किसान प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों को रोक रहे हैं, ये सब रोका जाना चाहिए। जब आप अदालत में कानूनों को रोकने की चुनौती देने आते हैं तो फिर विरोध का क्या तुक है। आपको प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आम लोगों को परेशान करने का अधिकार कतई नहीं है। आपने पूरे शहर का गला घोट दिया, ये सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहे आंदोलन को लेकर की गई है, जिसमें कोर्ट की तरफ से यह सवाल किया गया है कि जिस तरीके से हाईवे को बंद किया गया, जिस तरीके से सड़कें ब्लॉक हैं, जिस तरीके से आपने बॉर्डर्स को घेर रखा है, क्या उससे लोग खुश होंगे। आखिर यह सब रोका जाना चाहिए और यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि आप न्यायिक मंचों पर जाइए, संसद में बहस के द्वारा ही जो समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, एक तो आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में यह कहा गया है कि आपने पूरे शहर का दम घोट कर रख दिया है, लेकिन दूसरी तरफ किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। पिछले साल ही नवंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन, लगभग 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की गई लेकिन बात नहीं बनी और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त टिप्पणी करते हुए ये कह दिया है कि जो प्रदर्शन हो रहा है वो शहरों का दम घोट रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, सिंघू बॉर्डर पर जावेद मंसूरी हमारे साथ मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रियंका कांडपाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए गाजीपुर की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया है कि आपने शहरों का दम घोट दिया है। पिछली बार भी कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इसका समाधान होना चाहिए लेकिन न्यायिक मंचों से और संसद में बहस के द्वारा। दिखाइए वहां की तस्वीर। मैं आपको गाजीपुर की सीधी तस्वीरें दिखा रही हूं, जहां पर आप देखेंगे कि ये जगह है जो पूरा ये गाजीपुर का फ्लाईओवर ऊपर आप देख रहे हैं। मैं पहले आपको ये सड़क दिखाती हूँ, यहाँ देखिए ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं क्योंकि पीछे किसान आंदोलन चल रहा है और बैरिकेड्स पे भी लिखा गया है कि ये रोड बंद है। अब इस जगह से दूसरी जगह जहां पर दूसरे बैरिकेड लगे हैं, अगर आप आम दिनों में आते जब ट्रैफिक चल रहा था तो यहां से मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं लगते थे, लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, रूट डाइवर्जन है, तो अब यहां से जो रूट है वो इस जगह से ना जाकर आप देखें पीछे एक सड़क जा रही है सब्जी मंडी होते हुए, तो यहां से आपको अब तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर का पूरा एक स्ट्रेच लेना पड़ता है उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां पर आप महज 30 सेकंड में पहुंच रहे थे। उसके बाद अगर गाजीपुर फ्लाईओवर की बात की जाए तो अभी कुछ ही समय हुआ है जब गाजीपुर का ये जो पूरा फ्लाईओवर है एक तरफ से खोला गया है, एक तरफ से अभी भी बंद है, यानी कि अब दिल्ली से जो गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं उन लोगों के लिए तो रास्ता खुला हुआ है, लेकिन अगर आप गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, मेरठ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो आपको फ्लाईओवर शुरू होने से बहुत पहले ही नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों से आना पड़ता है जो आपका ट्रेवल टाइम बढ़ा देता है। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है जो कि दिल्ली के हैं, एनसीआर में जॉब करने जा रहे हैं या गाजियाबाद के हैं, वो दिल्ली में नौकरी करने आ रहे हैं, तो लोगों की परेशानियां यहां बढ़ती जा रही हैं। जी गायत्री, लौट रहे प्रियंका आपके पास। इस बीच आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली और हरियाणा के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों ने किसानों से रास्ता खोल देने की अपील की है। लोगों का कहना है कि रास्ता बंद होने की वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो जाहिर तौर पर लोगों को परेशानी हो रही है। और पिछले दिनों तो एनएचआरसी की तरफ से भी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट मांगी गई थी, अधिकारियों से पूछा गया था कि बताइए आखिर क्यों इस तरीके से सड़कों को ब्लॉक किया गया है क्योंकि लगातार नुकसान हो रहा है। अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करना चाहिए, जो लोगों को समस्या हो रही है, जो यहाँ के जो अपनी आर्थिक हालत खराब कर चुके हैं इंडस्ट्रियल, यहाँ के दुकानदार
यहाँ का स्थानीय निवासी जो पीड़ा झेल रहे हैं उससे हमें बहुत हानि हो रही है। प्रोटेस्ट है, उनके पास राइट है, वो करें अपने प्रोटेस्ट को, लेकिन जितने ऑर्डर्स हैं और जो बाकी लोगों के राइट हैं, जो हमारे भी तो कुछ अधिकार हैं, हमें भी तो रोड का इस्तेमाल करना है, तो हमें भी वो हमारे अधिकारों का भी थोड़ा सम्मान करें। हर टाइम जाम लगा रहता है, एक किलोमीटर पार करने में भी लगभग 1.25 घंटा लग जाता है। और चलिए अब सिंघू बॉर्डर की तरफ रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी वहां से हमारे साथ लाइव बने।